देखिए ये करी पत्ता है, यानी कि इसे जो मीठा नीम भी बोला जाता है, और हमारे घर के मसालों में इसे यूज़ भी किया जाता है। बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और मतलब किचन में ये आप, मैं तो ये बोलूँगी कि आप किचन में इसका ये एक पत्ता, एक टहनी ये वाली ज़रूर यूज़ कीजिए। चाहे आप दाल में डालिए या किसी सब्जी में, जब आप छौंका बनाते हैं ना तो उसमें इसको डाल लीजिए, और इसका जो फ्लेवर होता है वो पूरे घर में महकेगा। करी पत्ता बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स वाला पौधा होता है। मीठा नीम इसका नाम होता है, तो आप सोचिए कि नीम इसको नाम दिया गया है तो कितना ज़्यादा फायदेमंद होता होगा ये वाला पौधा। तो ये वाला पौधा ज़रूर लेके आइए। करी पत्ता बोला जाता है इसे, करी लीफ भी बोला जाता है। तो ये पौधा अपने घर में आप ज़रूर लगाइए। खाने के साथ साथ ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है। देखिए ये गमले में पौधा लगा हुआ है, यहाँ देखिए इसकी स्टेम कितनी मोटी हो रही है। ये देखिए नीचे यहाँ से ये आ रहा है इसमें से, ये देखिए काफ़ी मोटी इसकी स्टेम हो रही है, लेकिन बंदर इसे बार बार तोड़ जाते हैं, इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जा रहा है। ये देखिए कल परसों नीम का पेड़ है जो मेरा बहुत ऊंचा जा रहा था, इस छत से भी ऊंचा, लेकिन बंदर इसे तोड़ गए। उसके बावजूद भी ये सरवाइव करते रहते हैं और जूझते रहते हैं पूरी बंदरों से। बंदरों की टोली आती है और यहाँ पर कूदती है, छोटे पेड़ हैं कूदते हैं तो टहनियाँ टूट जाती हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से देखें इनकी मरहम पट्टी करती रहती हूँ, और ये पेड़, हमारे छोटे छोटे पौधे जो है ना, वो सरवाइव करते रहते हैं। ये देखिए अभी 3-4 दिन पहले भी यही हुआ था, और मेरा ये करी पत्ता का जो पौधा है यहाँ से तोड़ दिया, 2 बार तोड़ा, लेकिन मैंने दोनों बार साथ के साथ इसकी मरहम पट्टी कर दी। और देखिए ये टहनी भी अभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त चल रही है, क्योंकि साथ की साथ मरहम पट्टी हो जाती है तो इस पौधे को कुछ नहीं होगा। तो आप समझ तो गए होंगे कि कितना हार्डी प्लांट है, हर चीज़ में हर तरह से सरवाइव करने वाला है। एक बार आप ले आएंगे तो आपके घर में ज़िंदगी भर रहेगा, और किसी दवाई के रूप में काम करेगा। जितनी भी आपकी पेट की प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर करता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा करता है, और बहुत सारे, जैसे नीम होता है ना, सीम मीठा नीम इसको बोला गया है, इसीलिए इसको मीठा नीम का नाम दिया गया। पत्ते एक जैसे से होते हैं, नीम के पत्ते वो हैं और इधर करी पत्ता के पत्ते हैं। तो इसको घना और अच्छा बनाने के लिए आप क्या करें, ये देखिए ये है इसके जो फूल आए थे, अब उसके बाद इसमें इसके बीज बनने शुरू हो गए। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ देखिए ये इस तरह से, जैसे नीम में निबोलियाँ आती है ना, वैसे ही इसके बीज होते हैं, सेम होते हैं, बिल्कुल वही होते हैं। और ऐसे ही नीम में आ रहे थे, उसकी नीम की निबोलियाँ सारी तोड़कर बंदर चले गए, इसकी छोड़ दी हैं, पता नहीं क्यों छोड़ी हैं, इसकी टहनियाँ तोड़ गए। तो इसके भी अब जो बीज हैं वो तैयार होने वाले हैं, और गुच्छे में बहुत सारे बीज इसके तैयार हो जाएंगे। तो इसे घना बनाने के लिए, कि हमें पत्ते ज़्यादा चाहिए नीम के, मीठे नीम के, यानी कि करी पत्ते के, हमें बीज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको पौधे बहुत सारे बनाने हैं तो आप ये बीज छोड़ सकते हैं, और आपको लेकिन ये पत्ते कम मिलेंगे, बीज ज़्यादा मिल जाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए, दोनों चीज़ हमें चाहिए, कि बीज भी चाहिए मुझे और करी पत्ता वाला ये भी चाहिए खाने के लिए। जो बेनिफिट है वो उठाने हमें बहुत ज़रूरी होते हैं पौधों। तो इनको क्या करना है, हमें कट कर देना है सारे। ये देखिए हर जगह आपको दिख जाएंगे, हर टॉप पर जितनी भी ब्रांचेस निकली हुई हैं उनके हर टॉप पर आपको इस तरह के बीज मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इतने बीज तो मैं कहाँ लगाऊंगी। तो देखिए इसके बीजों से भी इसको उगाया जाता है, मैंने कई सारे बीज उगाए हैं, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ बीज देखिए मैंने इसके नीचे ही डाल दिए थे, तो ये 4-5 पौधे ये हो गए हैं। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ देखिए ये 2 बीज यहाँ पर हैं, करी पत्ता है, ये भी उगा हुआ है, इजीली उग जाते हैं। और भी दिखाती हूँ, आप छोटे से छोटे किसी भी चीज़ में अगर आप उगाते हैं तो करी पत्ता आपका इजीली उग जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ ग्लास में डाला हुआ है, एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ कि कुछ कहाँ पर कैसे होगा। ये छोटा सा ग्लास है, देखिए मेरे हाथ में आ रहा है, और देखिए करी पत्ता बन गया। अब ये शिफ्टिंग के लिए तैयार है, कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए, तो मैं इसे 1-2 दिन में शिफ्ट कर दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे बीज से पौधे भी बनाने हैं, तो आप 1-2 के आप बीज रख लीजिए, बाकी आप सारे कट कर दीजिए। तो देखिए मैं कैसे कट करने हैं, ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे यहाँ से है ना, ये इतना ऊपर वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ से आप कट कर दीजिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप यहाँ से कट कर दीजिए। तो क्या होगा कि इसमें बीज नहीं बनेंगे और हमारा पौधा ध्यान देगा अपनी ग्रोथ पर। तो पौधे को ग्रोथ के लिए आप इस चीज को जरूर कीजिए, ये देखिए
अगर इसमें बीज बनेंगे तो हमारा पौधा ग्रोथ ही नहीं करेगा, और पौधे ने ग्रोथ नहीं की तो हमारा कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं वही बेनिफिट देती हैं हमें, वही खाने वाली चीज़ होती है, और हमें पौधा जो होता है ना घना घना सा वही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा घना नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दिखाने के लिए बीजों तक मुझे इसे लाना पड़ा, आप सब लोगों को दिखाने के लिए, कि मैं आप सबको दिखा सकूँ। ये देखिए अब तक मैंने कटिंग इसीलिए नहीं की थी कि छोटे छोटे बीज इसके बन जाएंगे, उसके बाद ही मैं आपको ये कट करके दिखाऊंगी कि आपको कट कैसे करना है। ये देखिए, नहीं तो फिर मैं समझा नहीं पाती आपको कि कैसे बीज आने हैं, कैसे आना है। तो देखिए अगर आपके मोस्टली वैसे अब आ चुके होंगे फूल, अगर आ रहे हैं ना इसी जगह पे इसी तरीके से गुच्छे, तो आप फूलों को ही काट दीजिए। देखिए पहले बड़े बुजुर्गों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जो पौधा पहला फल देता है उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि जो पहला फल होता है, जब पौधा फल देता है पहला, तो वो पौधा इतना मच्योर नहीं होता है, तो वो जब बीज बनाता है तो पौधा सारी स्ट्रेंथ अपनी बीज बनाने पर लगा देता है। जब वो पौधा बीज बनाएगा तो वो इतना मच्योर नहीं है कि वो उसमें स्ट्रेंथ लगा दे, अपनी सारी ताकत वो उसमें लगा देगा, तो आगे के लिए हमारा जो पौधा है उसकी मजबूती बनेगी नहीं। तो हमें पौधे को मजबूत बनाने के लिए हमेशा जो फलों वाले पौधे होते हैं उनके फल हटा देते हैं, तो ये काम इसलिए करते हैं कि हमारा पौधा आगे तक हमेशा अच्छे फूल फल सब कुछ दे और खुद की स्ट्रेंथ भी उसकी बनी रहे। तो देखिए पौधों के लिए तो आपने सुना होगा, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, बोलते हैं इस बात को, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों की कही ये बातें कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत चोट पहुँचाती हैं, और धक्का लगता है ये सोचकर कि क्या लड़की का जीवन एक पेड़ जैसा भी नहीं है। जब लड़की की शादी की जाती है तो वही बड़े बुजुर्ग उस बारे में नहीं सोचते हैं। जब छोटी उम्र में लड़की माँ बनती है तो क्या सारी स्ट्रेंथ सारी ताकत क्या वो अपने बच्चे को पैदा करने में नहीं लगाती है? बड़े बूढ़ों ने ये बात कभी नहीं बताई, और छोटी लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। तो प्लीज़ सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये प्रथा आज भी गाँव में, कई जगह के गाँव में चलती है, तो हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रथा को चेंज कीजिए। ये कुछ ये इस तरीके से इकट्ठे हो जाएंगे आपके, और इन्हें आप खाद वाले किसी उसमें डाल दीजिए तो आपकी खाद बन जाएगी इसकी, और फेंकना नहीं चाहते हैं तो आप इसे नीचे ऐसे डाल दीजिए, क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगता है, तो इसी वजह से ये हमारे दूसरे पौधों के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। ये देखिए इस तरीके से ऐसे डाल दीजिए, इसको वेस्ट मत कीजिए। और देखिए हमारा करी पत्ता कुछ इस तरीके से अब लगेगा। ये देखिए मैंने कहीं कहीं एक दो छोड़ दिए हैं ताकि बीज बन जाए, इसी तरीके से आप भी छोड़ सकते हैं कि आपको एक दो छोड़ दीजिए, तो कहीं कहीं जो है आपको बीज भी मिल जाएंगे, और आप नए पौधे बनाना चाहें तो नए पौधे आप बना लेंगे। और इससे अब क्या होगा कि जैसे यहाँ से मैंने कट किया है, ये देखिए जैसे मैंने ये यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ से अब दो ब्रांचेज आ जाएंगी इसमें, तो दो ब्रांचेज आएंगी तो हमें पत्ते और भी ज़्यादा मिलेंगे। अब इसके बाद इसमें बीज नहीं आएंगे, बीज अब इसमें अगले साल ही आएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, इसकी नीचे से गुड़ाई करनी, तो देखिए इसमें गोबर खाद डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने खाद भी मेरी हल्की सी गीली थी और रात को ही पानी दिया है। आप पानी लगाएं तो या तो बिल्कुल सुबह सुबह लगाएं, यानी कि 6 बजे आप इस टाइम में पानी लगा दीजिए, और या फिर शाम को धूप ढलने के बाद आप पौधों में पानी दीजिए। और खाद की बात आती है तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या फिर गोबर खाद डाल सकते हैं, किसी और खाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पत्तेदार पौधा होता है तो इसे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो गोबर खाद में नाइट्रोजन बहुत ही ज़बरदस्त होता है, हमें किसी और चीज़ खाद की ज़रूरत नहीं है।
तो आप गोबर खाद यूज कीजिए और ये करी पत्ते को अपने घर में जरूर लगाइए, और बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है। जब हवा चलती है करी पत्ते की जो खुशबू होती है वो बहुत ही भीनी भीनी आपके गार्डन में महक जाती है, एक अलग सा एरोमा होता है करी पत्ता में। तो करी पत्ता जरूर लाइए और इसके बेनिफिट्स अपने घर में जरूर उठाइए, क्योंकि भारतीय खाने, भारतीय मसाले जो होते हैं वो बहुत जरूरी हैं खाने। हमारे जो मसाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं, अच्छे होते हैं, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम इस तरीके से इन देसी अपनी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। देखिए करी पत्ता खाने के लिए यूज़ होता है, नीम आप दांतुन करने के लिए यूज़ कीजिए तो आपके कभी भी दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, दांत सफ़ेद चमकदार होंगे और दांतों में कीड़े से बच जाएंगे, आप डॉक्टरों के जाने से चक्कर काटने से बच जाएंगे, बिल्कुल डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नीम की दातुन करते हैं। तो पहले वो जो नुस्खे थे ना, नीम की दातुन है, करी पत्ता खाना है, पुदीना खाना है, या फिर इस तरह की जो घर में जो चीज़ें होती थी, हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे ना कि घरेलू जो चीज़ होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो घास उगी हुई है, ये देखिए ये लेमन ग्रास है, और इसकी एक चाय डेली पी लीजिए तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो बस ये करी पत्ता ज़रूर लगाइए और इसे अपने घर में जगह जरूर दीजिए, छोटे पॉट में भी चल जाएगा, आप इसे छोटा भी बना सकते हैं, उसे कटिंग करते जाइए, टाइम टाइम पर गोबर खाद देते जाइए और बस हो गया आपका करी पत्ता, और एक बहुत ही बढ़िया सी आपकी आयुर्वेदिक चीज़ तैयार हो जाती है घर में ही। तो गाइस करी पत्ता ज़रूर लगाइए और इस करी पत्ता को बढ़ावा दीजिए अपने घर में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।